Do you want to know how you can balance your three doshas? That is Vata, Pitta and Kapha. This live video is for you all. Hello everyone and warm welcome to you all. And today we are going to deep dive into these three doshas that will help us to balance our life. So let's get started. Today our guest, she will help us. Once again, I'm just trying to connect with her. Today our guest, she will help us to understand more about these three doshas, and we can have that amazing, I'm connecting with her, amazing in our life. Thank you so much everyone for joining us, and thank you so much for showing so much of love. Thank you so much everyone. Hello Neha ji. Hello Sheetal, kaisi ho? आवाज आ रही? हाँ जी आवाज आ रही है. आप कैसे हैं? मैं मस्त. वेरी नाइस वेरी नाइस. सो वी आर हैविंग अ गेस्ट टुडे एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू हर. टुडे आवर गेस्ट एक्सपर्ट इज नेहा पी जेठवानी. शी इज अ लाइफ कोच, शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर, शी इज अ एस्ट्रोलॉजिस्ट, शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, शी डज काउंसलिंग एंड शी इज ऑल्सो योगा थेरेपिस्ट. And she has also been awarded as a Nari Shakti Award. And she has also help people by changing their behavior for, you know, making them disease-free life. So she has done a lot of things, and today her expertise is going to talk about it, and she's going to share much more with us. Let's stay tuned. Let's start. Neha ji, bahut shukriya hame join karne ke liye. Thank you so much. Thank you, Sheetal. चलिए नेहा जी, हम शुरू करते हैं आज का लाइव, अगर आप कंफर्टेबल है तो. बिल्कुल. ओके. तो नेहा जी, आज जिस तरह से ऐसे बोला जाता है आयुर्वेद में कि ये तीन दोषा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ, तो इनका बहुत ही मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में, हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करने में. तो आज आप इनके बारे में हमें कैसे बताएंगे कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं. तो बिहेवियर चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस से क्या ये सच में बैलेंस होते हैं? पहले तो जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आगे देखने वाले हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद. दूसरा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वात, पित्त, कफ की, तो हम ऐसा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, और जो हमारा पंच महाभूत है यही एक तरह से समझ लो कि ये डिवाइड हुआ है वात, पित्त, कफ. यानी कि इंसान का जो नेचर होता है वो इसी में ही घूमता रहता है. या तो वो वात स्वभाव का होगा, या तो पित्त स्वभाव का होगा, या कफ स्वभाव का होगा. और इसी की विषमता होने की वजह से, क्योंकि ये तीनों चीजों का होना, समान मात्रा में होना, जब ये समान मात्रा में होते हैं तो बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं आती, आपका शरीर बड़ा हेल्दी रहता है. लेकिन जब इसमें विषमता आ जाती है, यानी जब इसका बैलेंस नहीं होता है, तो अलग अलग तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती है. और साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि कोई भी डिजीज, यानी कोई भी हमारे ऊपर बीमारी आ रही है, हमारे शरीर में कोई भी अस्वस्थता है, उसका कारण क्या है, तो वो सब हमारे दिमाग से रिलेटेड है. यानी कि हर बीमारी जो है साइकोसोमेटिक है, उसका कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसका असर जो है वो दिमाग से ही होता है. कहते हैं ना कि आपका दिमाग अगर तंदुरुस्त है तो आप तो कैसी भी सिचुएशन को निकाल सकते हो. तो दिमाग का आपका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. और आज जो हम बात करने वाले हैं वात, पित्त, कफ की, जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम किस स्वभाव के हैं, तब तक हम चेंज भी नहीं कर सकते इन चीजों को. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि पहला तो हम जानेंगे नेचर के बारे में कि वात वाले होते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और बात वाले, पित वाले, कफ वाले वो कैसे होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, ऐसा वो क्या करें कि अपने बिहेवियर में वो कैसे चेंज लाएं, और अपने आप को कैसे वो वॉच करते रहे, एक वॉचमैन की तरह. तो जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे की बात नहीं कर पाएंगे. तो पहला हम बिहेवियर वाइज समझेंगे उनका, उनके स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे उनको. तो पहले हम जानेंगे कि जो वात
दोषा जिनका डोमिनेटिंग होता है, लाइक ऐसे कहा जाता है कि ये तीन दोषा में एक दोषा डोमिनेटिंग होता है, राइट? तो वो वात का वात डोमिनेटिंग है, तो उनका बॉडी टाइप कैसा, उनका पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है? बिल्कुल, जैसा कि वात वात जो है, जो वात वाले होते हैं, जो वात दोष वाले मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर वात डोमिनेंट रहता है, सबके अंदर तीन दोषास तो रहते ही हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ज्यादा वॉक करता है। ओके, तो वात दोष वाले, जो वात दोष है वो बना किससे है? पहला हमें वात वाले लोगों को समझना पड़ेगा, और ये जो है एनर्जी के रूप में है, यानी हमारे शरीर में ये जो आए हैं वो एनर्जी के रूप में है। तो पंच महाभूत में से ये कौन से महाभूत हैं? तो ये जो है वायु और आकाश के मिलने से ये वात दोष होता है, वात प्रकृति वाले होते हैं। इसके लिए इनको बोला जाता है प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, एलिमेंट। तो अगर हम बिल्कुल, तो अगर हम ध्यान देंगे कि अगर वात को हम, अगर हम वात वर्ड भी हटा दें, सिर्फ हम ये समझे कि इसमें कौन से एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें क्या है, वायु और आकाश है। तो वायु के आप कैरेक्टर को देख लो, हर कोई हवा को समझता है। ओके, हवा कितनी जरूरी है, हम सांस लेंगे तो हमें क्या चाहिए, हवा हमारे अंदर जाती है। हवा की वजह से होता क्या क्या है, हवा क्या क्या करती है, हवा का गुण क्या होता है, अगर हम सिर्फ इसकी तरफ भी ध्यान दे दें कि ओके ये क्या गुण होता है, और अगर इसकी अधमता हो जाएगी, अगर ये अधिक हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो होगा क्या, ठीक है? वैसे ही आप आकाश को भी समझ लें। तो अगर हम वायु और आकाश को समझ लेते हैं तो हम वात वालों के नेचर को समझ सकते हैं। जैसे आकाश कितना विशाल है, उसका कोई ओर छोर नहीं है, वो एंडलेस है। ओके, तो ये भी जो होते हैं ये एंडलेस होते हैं। एंडलेस मतलब क्या, इनका कोई छोर नहीं होता है, क्योंकि इनको एक हवा मिली हुई है और आकाश मिला हुआ है, तो ये क्या करते हैं, कहीं भी मूव कर जाते हैं। हवा कैसे होती है, हवा का रुख कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ होता है, तो इनका भी बिहेवियर क्या होता है कि ये कहीं भी रुकते नहीं है, स्थिरता नहीं होती है। ये कभी इस विचार के होंगे, कभी उस विचार के होंगे, कभी इनको रोना अच्छा लगेगा, कभी इनको हंसना अच्छा लगेगा, कभी इनको खाना अच्छा लगेगा, कभी इनको भूखा रहना अच्छा लगेगा। मतलब इनका कोई भी नेचर ऐसा नहीं होगा जो आप बोलो कि हाँ ये तो समान मात्रा में चल रहे हैं, तो इनके अंदर समानता कुछ नहीं होती। अगर शरीर में बहुत ज्यादा समझो हवा लग गई तो हमारी स्किन कैसी होती है, ड्राई हो जाती है। तो ये जो वात वाले होते हैं, वात प्रकृति वाले होते हैं, अगर आप इनकी स्किन देखोगे तो इनकी स्किन ड्राई होती है, इनकी स्किन ड्राई। और बहुत बार जैसे हमें देखने को भी मिलता है कि किसी के पैरों के तलवों को देखो तो उसमें पूरे क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स तो वो क्यों है, क्योंकि इनके अंदर वात जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। जैसे किसी की स्किन है तो उसमें आप देखोगे कि पूरी ड्राइनेस आ जाएगी, लिप्स जल्दी फटेंगे, एक्सेसिव। तो ये हवा इनकी बहुत ज्यादा होने के कारण इनके हेयर होंगे वो ड्राई होंगे, उनकी स्किन जो होगी वो ड्राई होगी, इनको ईचिंग होने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से। और वात की वजह से अगर इसका बैलेंस नहीं होता है तो इससे 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। सबसे ज्यादा अगर बीमारी होती है तो वात की वजह से होती है, क्योंकि वात का काम क्या होता है, अगर हमारे शरीर में वायु नहीं होगी किसी के भी शरीर में, तो वो हाथ पैर नहीं हिला सकता। अगर जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे हमारी आंखें इस समय हिल रही है, हमारे लिप्स हिल रहे हैं, हमारे शब्द निकल रहे हैं, हम कुछ सुन पा रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है, और हम कुछ टच को समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ये वायु की वजह से है। तो ये जो भी है, जो हम खाना खा रहे हैं, तो खाना को निगल के नीचे की तरफ ले जाने का काम वो किसका है, तो वायु का है। फिर जो हम यूरिन बाहर निकालते हैं, जो हम स्टूल बाहर निकालते हैं, जो शरीर से निकलता है, वो किसकी वजह से निकल पाता है, तो वायु की वजह से निकल पाता है। तो ये अगर एक समान मात्रा में रहेगा तो हर चीज बराबर होगी, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा शरीर में हो जाता है तो इसकी वजह से इंसान का कोई भी सिस्टम बराबर नहीं चलता। जैसे बहुत ज्यादा वायु हो गई तो उनका शरीर बहुत कांपने लगेगा,
बहुत शरीर उनका कांपेगा और उनका माइंड इतना वेवरिंग हो जाता है कि वो डिसीजंस नहीं ले पाते, या वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, जैसे अभी डिसीजन ले लिया कि चलो मार्केट चलते हैं, तैयार होकर के फिर उनको लगेगा मार्केट क्यों जाएं और बैठ जाएंगे वो, तो वो उनका कोई भी जो डिसीजंस होता है वो बहुत जल्दी लेते हैं और बाद में वो पछताते भी हैं। तो ये क्यों हो जाता है? वो वायु के कारण हो जाता है, यानी बात प्रकृति वाले जो है क्या हम हेस्टी में करते हैं बहुत बहुत, तो उनका काम बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, बहुत जल्दी। अगर उनको देखोगी तो मतलब अगर उनकी आंखों की तरफ भी ध्यान दोगी तो वो तुमसे बात कर रहे हैं लेकिन वो बात करते करते आंखें उनकी इधर जाएगी उधर जाएगी, नीचे देखेंगे, उनकी आंखें तक भी स्थिर नहीं होती है, वो आंखें उनकी घूमती रहेगी। जो आंखों की जो हम बोलते हैं आईलेट्स होते हैं वो भी बहुत पतले होते हैं, उनके बहुत पतले होते हैं, ड्राई होते हैं, मतलब उनकी पूरी बॉडी को आप समझोगे तो बहुत ड्राई होगा और वो ज्यादा फेयर नहीं होते हैं, मतलब उनका कलर जो होगा वो विटिश हो सकता है या तो डार्क, इसमें जाता है इनका। जरूरी नहीं है कि सब सब ऐसे ही कलर वाले वात वाले हों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये भी प्रकृति चेंज होती है, कभी आप पित्त में भी आ जाते हो, कभी आप कफ में भी आ जाते हो, और ये जो हमारे अंदर प्रकृति आती है ये हमारे पेरेंटल होते हैं, जो हम लेके आए होते हैं, जीन्स लेकर के आए होते हैं, उस हिसाब से हमारे कलर्स होते हैं। तो हम सिर्फ कलर्स के बेस पे नहीं बोल सकते हैं, इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हवा का काम क्या होता है, तो जिसके शरीर में वात बहुत ज्यादा रहेगा उनकी हड्डियों से आवाज आती है, जैसे सुना होगा कि किसी की हड्डी बहुत बजती है, टक टक उठ रहे हैं तो बज रही है, बैठ रहे हैं तो बज रही है, तो इनके इनके पूरे शरीर में इतनी हवा होती है कि वो आवाज करने लगती है। और इनकी जो नींद भी रहती है, जैसे वो सो रहे होते हैं तो इनकी नींद बहुत कम होती है और बहुत कच्ची होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोगों के अंदर नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को नींद नहीं आती है, वात प्रकृति वाले हैं, तो ये वात प्रकृति खाने के दोष की वजह से होती है और उनके अंदर बिल्कुल स्थिरता नहीं है और उन्हें पता नहीं है कि ओके मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। बहुत बार उनको लगेगा कि ओके नींद इसके लिए नहीं आ रही है कि शायद मैंने ये सोच लिया, कभी लगेगा कुछ, लेकिन वजह ये होती है कि वो वात जो है ना वो बैठने नहीं देता। वात वालों का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेना हो ना तो उसको तुम बहुत अच्छी तरह समझ सकती हो, अगर घर में चार मेंबर बैठे हो ओके और सेंटर में रिमोट रख दिया जाए टीवी का, तो जो सबसे पहले दौड़ के उठाएगा वो वात वाला उठाएगा, ठीक है, और सबसे पहले दौड़ के वो उठाएगा, उठाने के बाद कोई अगर सीरियल चल रहा हो तो सबसे पहले चैनल चेंज करने का काम किसका रहेगा? वात वाले का रहेगा। अगर उसने चैनल चेंज नहीं किया तो बहुत मतलब अच्छा सा सीरियल चल रहा है, तुम्हारा देखना जरूरी है, लेकिन वो 15 मिनट के बाद उसको कुछ बेचैनी होगी, उठ के वो किचन से पानी पी के ही आ जाएगा, उसको बैठने में ना बड़ी प्रॉब्लम है, वो जल्दी बैठना नहीं चाहता, वो बैठेगा उठ जाएगा ऐसा, और कहीं भी अगर उसको जाना हो तो काम भी वो सबसे पहले हाथ लगाएगा। जैसे अगर कहीं जाना हो तो पैकिंग करनी हो तो सबसे पहले बैग खोल करके 10 दिन पहले वही रख देगा कि भाई सामान पैक करना है, और 4 दिन तक सामान पैक करके 5वें दिन फिर शांति से बैठ जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ इतनी जल्दी क्यों, लेकिन 5वें दिन सिर्फ 1 दिन शांति से बैठेगा, 6ठे दिन वापस वो सामान को चेक करेगा, निकालेगा डालेगा निकालेगा डालेगा, वो एंड तक तब तक करता रहेगा जब तक वो घर ना छोड़ दे। वो इन मतलब इनके अंदर क्या है ना कि बिल्कुल भी ये बैठना नहीं जानते, बेचैन, जैसे बहुत बार बोलते हैं ना बेचैन आत्मा से, हाँ। और इनका खाना और पानी भी कैसा होता है, जैसे दौड़ के आएंगे किचन में और कहेंगे बहुत तेज भूख लगी है, आपने उनको खाना दे दिया, टेबल पे बैठेंगे और कहेंगे अभी भूख नहीं, अब तो पेट भरा हुआ लग रहा इसके लिए क्योंकि वायु उनके शरीर में इतनी होती है कि वायु की वजह से उनका पेट उनको 5 मिनट के बाद लगता है भरा हुआ है, उनको लगता है ऐसा, और फिर 15-20 मिनट के बाद वो खाना लेकर के बैठेंगे, नहीं मुझे भूख लग रही है, वो खाएंगे आधे आधी एक रोटी खाने के बाद कहेंगे पेट अभी भरा हुआ लग रहा है, फिर 1 घंटे के बाद कहेंगे नहीं नहीं अभी थोड़ा खाली, मतलब खाली भी उनका पेट रहेगा, पेट भी जल्दी भर जाएगा, भूख लग भी रही है, खाना लगने के बाद भूख नहीं भी लग रही है, जहां जहां जैसे जैसे हवा दौड़ती है बॉडी के अंदर वो वैसा वैसा रिएक्ट करते हैं, बिहेवियर रहता है। इनको प्यास भी लगेगी मध्यम लग रही है, नहीं भी पिया तो चल गया, उनका दोनों ऐसा रहेगा।
जैसे लेडीज हैं तो उनको पीरियड्स के टाइम पे भी यही होगा कि उनको पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, जैसे कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, लेकिन उनके जो पीरियड्स होंगे वो डार्क कलर के आते हैं, डार्क ब्राउनिश होते हैं और बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता, तो उससे समझ में आ जाता है कि ओके इनको इस समय ये प्रॉब्लम है कि वो इस समय इनकी प्रवृत्ति जो है वो वात वाली ज्यादा है, ये हम समझ सकते हैं। दूसरा ये हो जाता है कि हवा होने की वजह से इनका जो है ना डाइजेशन पूरा नहीं हो पाता है, हवा की वजह से इनके बॉडी में हवा इतनी है कि जो मशीनें हैं मशीनें प्रॉपर तरह से जो वर्क नहीं कर रही होती हैं, जो खाना पचाने के लिए अग्नि चाहिए होती है वो अग्नि जो है वो उतनी इनके शरीर को मिलती नहीं है। ओके, तो इनका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, या टॉयलेट से होके भी आएंगे तो कहेंगे पेट साफ नहीं हुआ, ये उनका एक एक नेचर रहेगा बोलने का, मजा नहीं आया, पेट साफ नहीं हुआ, ये वो बोलेंगे। इनको बिल्कुल भी समझ लो कि ठंड तो बर्दाश्त ही नहीं है, हवा इतनी है ना बॉडी के अंदर तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये ठंड बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर इनको एक पे पंखा चला दिया गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, तो ये ठंड जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, एसी में बैठेंगे तो इनकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाएगी। तो ये मूडी टाइप के लोग हैं, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ही इनकी लाइफ में जो बीमारियां हैं, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि सारा चलना उठना बैठना खाना डाइजेस्ट होना सब कुछ वात की वजह से है। इसके लिए इसके द्वारा अगर पेट खाना आप खाना खा रहे हो पेट साफ नहीं होगा तो पेट नहीं साफ होने की वजह से बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, ठीक है। अगर पीरियड्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, क्लीन नहीं हो रहे हैं, अच्छी तरह नहीं आ रहे हैं, तो बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। तो ये 80 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, ये अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं इनको, तो अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे तो वो इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो हम इनके लक्षण को देख करके समझ सकते हैं कि ओके ये वात प्रवृत्ति वाले लोग हैं। और नेहा जी बहुत बहुत ही आपने इतनी डिटेल में बताया ना कि अब हम किसी को भी ऐसे करते हुए देखेंगे तो अरे ये तो बात वाला है ना, हम एक्सपर्ट बन जाएंगे थोड़ी देर बाद। नेहा जी बहुत डिटेल में आपने अच्छे से बताया कि बात प्रकृति वाले कैसे होते हैं, रियली वेरी नाइस। तो नेहा जी अगर समझो किसी की बात प्रकृति डोमिनेटिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे किस तरह से मतलब बिहेवियर में चेंजेस लाने से या हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से या हमारे यू नो रूटीन में चेंजेस लाने से क्या हम इसे कुछ कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम कोई भी इंसान अगर समझ रहा है, जैसे अगर ये वीडियो देखते हैं और उनको समझ में आने लगता कि हाँ मेरा नेचर इसमें से बहुत ज्यादा मिल रहा है। देखो ये कोई भी एक इंसान जो है ना सिर्फ वात का नहीं होगा, उसमें वात वात और पित्त मिक्स हो सकते हैं, वात और कफ मिक्स हो सकते हैं, पित्त और कफ हो सकते हैं, मतलब ये मिक्स हो सकते हैं। तो उनको एक लिस्ट बनानी है, कोई भी इंसान है उसको एक लिस्ट बनानी है कि मेरे अंदर ज्यादातर, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद कोई इंसान समझ सकता है कि वो एक लिस्ट बना ले कि मेरा बिहेवियर किस किस चीजों से मिल रहा है, वात वालों से क्या क्या मिल रहा, पित्त वालों से क्या क्या मिल रहा, कफ वालों से क्या। अब उनकी लिस्ट यानी लिख दे कि वो वी लिख दे, वात के लिए लिख दे, पी लिख दे, के लिख दे, और उसके बाद अपने नेचर पे टिक करता जाए कि भाई ये देखो वात वाले इतने मिल रहे हैं, पित्त वाला गुण इतना मिल रहा है, कफ वाला। अब उन तीनों को काउंट करें, जो सबसे ज्यादा गुण जिससे मिल रहे होंगे उस समय वो मनुष्य उस स्वभाव का है, और जो उसको बीमारी आई है वो उसके इसी नेचर की वजह से आई है। उस समय हो सकता है कफ की वजह से आई हो, उस समय हो सकता है पित्त की वजह से आई हो, या जो बीमारी से अभी वो सफर कर रहा है वो वात की वजह से कर रहा, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा मनुष्य अपना इलाज नहीं कर सकता, अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वात वालों की। ओके, तो वात वालों का जो नेचर है, वात वालों को बीमारी आने की वजह क्या हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, वो शांत से नहीं बैठ सकते। तो जो इंसान सोचो कि बहुत हड़बड़ी में रहेगा, आप समझ रहे हो कि उसका कोई भी चीज
पूरी तरह से काम नहीं करेगी। अगर वो खाना खा रहा है तो वो जल्दी 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 निगल लेगा खाना, क्योंकि उसको तो बहुत घाई रहेगी ना। तो आप सोचो कि वो जो खाना खा रहा है, जो बॉडी के अंदर रस तैयार होना चाहिए, वो तो प्रॉपर रस तैयार नहीं हुई। वो रस प्रॉपर तैयार नहीं हुई तो डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आप देखोगे कि वही चीज वापस गैस के रूप में ऊपर आ रही है आपके। उसी गैस की वजह से आपकी बॉडी पूरी ब्लोट, अंदर ब्लोटिंग हो रही है। उसी गैस की वजह से आपका दिमाग बहुत घूम रहा है, थॉट प्रोसेस बहुत आ रहे हैं, रात को आप सो रहे हो तो सपने बहुत आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये लिंक है। तो अगर इंसान समझ रहा है कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे काम में बहुत जल्दबाजी होती है, मैं स्थिर से किसी की बात सुन भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकेंगे पेशेंसली बात, वो सोचेंगे आगे की बात। रिमोट लिया तो अभी मूवी स्टार्ट की है, 15 मिनट में मूवी खत्म करके उठ भी जाएंगे, फॉरवर्ड कर करके गाना बढ़ा दो, लड़ाई बढ़ा दो, अब ये बढ़ा दो, अब वो बढ़ा दो, खत्म हो गई मूवी। तो उनको अपना नेचर चेंज करना होगा। हाँ, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन ये होता है, क्योंकि पेशेंस नहीं होता कि वो समझ रहे होते हैं लड़ाई तो है ही। और उनके साथ थोड़ा सा ये भी हो जाता है, क्योंकि इस जगह हम नेचर को समझेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर उनको कोई बात समझाई जाए ना, वो तो चुटकी में समझेंगे, लेकिन वो आधे घंटे के बाद भूल भी जाएंगे, एक घंटे के बाद भूल भी जाएंगे। जैसे वो अगर मैथ समझाया जा रहा है, क्लास में कोई बच्चा बैठा है, तो सबसे पहले वो समझेगा और सबसे पहले वही भूल जाएगा। समझेगा भी पहले, भूल भी पहले जाएगा। तो कुछ चीजों को अगर हम ध्यान देंगे, बिहेवियर को हम ध्यान देंगे, तो हम समझ सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। हम अपना ट्रीटमेंट, यानी बोलते हैं ना कि हम सेल्फ अपने आप को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हो, तो अपने लिए टाइम निकालो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप देख रहे हो कि आपके हाथ में मोबाइल है या आप किसी का कॉल आने वाला है, कुछ भी है, तो आप उसको साइड करो और फोकस होने की कोशिश करो कि भाई मेरी प्लेट में क्या क्या रखा है। कम से कम उधर फोकस हो कि कम देखो तो सही मेरी प्लेट में है क्या और मुझे क्या क्या खाना है, इन सबका स्वाद कैसा है। क्योंकि हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि हम बिहेवियर के थ्रू इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो वो खाना खा रहे हैं तो उसको होश रख के चबा के खाएं। ओके, जब वो खा रहे हैं तो पूरा उसका रस लेने की कोशिश करें। मुझे आवाज नहीं आई, कनेक्ट होना है। मैं बोल रही हूँ खाने के साथ कनेक्ट होना है कि जो हम, बिल्कुल कनेक्शन होना चाहिए कि हम खाएं टेस्ट और एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल, तो हम खाना खा रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमारा इस समय ध्यान खाने पे हो। वो पूरी रूटीन को, यानी उनकी जो मॉर्निंग से लेकर के जो भी रूटीन है, अगर वो अपनी रूटीन में एक एकाग्रता लेकर आ जाते हैं, स्थिरता लेकर आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरह से स्थिरता, क्योंकि पूरी तरह से स्थिरता आ जाएगी तो वो उनका बिहेवियर फिर चेंज होने लगेगा। लेकिन जहां जहां जरूरत है अपने आप को बदलने की, वहां बदले। जैसे अगर वो जा रहे हैं तो बस जो है नीचे खड़ी है, उनको मालूम है कि बस जो है वो इतने मिनट पे आती है, तो उनको दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। वो जो है आराम से चल के जाएं और अपनी बस पकड़ें। वो दौड़ के जा करके भग भग के उनको ये काम नहीं करना है, क्योंकि वो आगे चल के उनकी बीमारी में ही कन्वर्ट होना है। ठीक है, वो जब कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो वो अपने लिए एक फिक्स कर लें कि नहीं, उनको ये पैराग्राफ या 2 पेज पढ़ के ही वो उठेंगे। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे उनके स्वभाव में बदलाव आएगा, वो देखेंगे कि अरे उनका डाइजेशन अच्छा होने लग गया, उनको नींद आने लग गई, उनको ठंडा खाना बहुत नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं खाना है, फ्रेश खाना खाएं, उनके लिए गर्म खाना अच्छा है, क्योंकि शरीर में गर्मी नहीं, हवा की वजह से उनके शरीर में गर्मी का अभाव रहता है, तो इसके लिए वो गर्म उनको अच्छा भी लगेगा, गर्म खाना भी खाना है, फ्रेश खाना खाएं, थोड़ी गर्म चीजें खाएं, तो उनको सूट भी करेगी, उनके लिए बहुत अच्छी भी रहेगी। तो इस तरह से अगर वो फोकस होते हैं, इस तरह से वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, हर एक एक्टिविटी की तरफ वो अगर फोकस हो जाएंगे, तो वो देखेंगे कि धीरे धीरे जो बात है उनका बैलेंस होने लगेगा,
जितनी शरीर को आवश्यकता है वो उतना ही बार काम करेगा, लेकिन अगर वो इस पे फोकस नहीं होंगे तो उनके लिए काम नहीं करेगा। अब जैसे योग है, तो योग में अगर उनको बोलोगे कि चलो स्टार्ट हो जाओ और मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाओ, वो नहीं कर सकते। तो वात वाले को आप डायरेक्ट मेडिटेशन पे बिठाओगे तो वो उनके लिए बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। वो बैठेंगे नहीं, वो आंख बंद करके वो बोलेंगे देखो तो सही कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा, क्या क्या हो रहा। अच्छा आवाज आई बाहर से, आंख खोल के देखेंगे, क्योंकि वो उनकी आंखें ही बंद नहीं होंगी, स्थिरता नहीं है ना। तो उनको मेडिटेशन में बिठाने की जगह उनसे आसन कराओ, मतलब या जो भी है वो ये आसन करें। अगर वो आसन करते हैं तो आप देखोगे कि उनके आसन, और आसन भी कैसे, उनसे ना बैलेंसिंग आसन कराओ। बैलेंसिंग के लिए उनको फोकस होना पड़ेगा। जैसे अगर कोई खड़ा हुआ है तो उनको बोलो कि भाई जो है आप एक पैर पे खड़े होने की प्रैक्टिस करो, हाथ भले आप दीवार का सहारा लो, आप जो है पैरों की उंगलियों पे आओ, हाथ ऊपर करो, तड़ासन करो, मतलब उनको थोड़ी बैलेंसिंग, उनकी उसकी वजह से वो फोकस होंगे। उनके लिए फोकस उनको करना बहुत जरूरी है। उस फोकस की वजह से वो धीरे धीरे ना उनके अंदर एक कामनेस आएगी, उस कामनेस की वजह से उनके शरीर में चेंजेस आएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर कोई किसी को बहुत ज्यादा वात की प्रॉब्लम हो गई है, वात दोष है, वो बहुत सारी चीजों से सफर कर रहा है, तो वो एक अच्छे से कोई भी अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानता है उससे वो संपर्क करे, जो मेडिसिन लेना है वो ले, लेकिन उस मेडिसिन के साथ साथ आपको अपने बिहेवियर में तो चेंज करना पड़ेगा ही। क्योंकि जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो तब तक तो जो भी आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो आपको फायदा करेगी, लेकिन आपकी दवाई खत्म हो जाने के बाद आपका बिहेवियर फिर वही है तो वापस आप देखोगे कि उसमें ही कन्वर्ट हो जाओगे। तो आपको अपने अपने अंदर एक स्थिरता लाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, हर एक चीज पे ध्यान देना है। इनको बोलना बहुत पसंद है, मतलब ये बोलेंगे बहुत ज्यादा, टक 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 बात की वजह से उनको बोलना बहुत पसंद है, लेकिन एक बात से दूसरे बात में उतर जाएंगे। जैसे थे जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, मतलब ऐसा हाल है कि वो बात एक टॉपिक पे करेंगे, खत्म दूसरे टॉपिक पे करेंगे। तो उनको इस बात पे भी फोकस होना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे चार लोग बैठे हैं और अगर मैं बात कर रहा हूं तो जिस टॉपिक पे बात चल रही है मैं सिर्फ उस पे ही रहूं और उसी टॉपिक पे बात करूं। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन इन सब की वजह से ये हर चीज बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये फिर इनकी बात कहीं भी लोग सुनते नहीं है, इनको इग्नोर कर देते हैं, बोलेंगे कि ये इंसान जो है ना पता नहीं क्या बोलता है, आधी बात इनकी समझ आएगी आधी बात नहीं समझनी, बहुत ज्यादा बोलता है, तो इनका काम भी नहीं होता है। ये एक साथ 10 काम को ले लेते हैं ना तो कर नहीं पाते हैं। तो इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन ये आती है कि मैंने ये काम लिया था फिर दिमाग हो गया, जैसे एक मैं एक लेडी का एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, उसको सुबह की सुबह ध्यान आएगा कि अरे मुझे डस्टिंग करनी है, डस्टिंग के लिए कपड़ा उठाएगी डस्टिंग करने के लिए और चली जाएगी कपड़े भिगोने, कपड़े धोने के लिए भिगोने चली जाएगी, कपड़े भिगोते भिगोते उसको ध्यान आएगा मेरे हाथ में डस्टिंग है, तो जो कपड़े आधे भिगो रही थी वो छोड़ करके फिर डस्टिंग करने लगेगी, डस्टिंग करते करते ध्यान आएगा अरे दूध नहीं बॉयल, मतलब वो कोई भी काम को परफेक्ट नहीं कर पाती है और लास्ट में वो इरिटेट होती है अपने स्वभाव से कि मेरा काम जो है वो टाइम पे नहीं हुआ। वैसे ही ऑफिस वाले होते हैं, तो इन सब की बीमारी की वजह क्या हो जाती है इनके शरीर में, क्योंकि ये इनको बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, टाइम काम पे नहीं होता, कोई भी परफेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो इनके अंदर ही ये फीलिंग्स होने लग जाती है कि मेरे से ढंग से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जोरों में तकलीफ है, उठ बैठ नहीं पाते हैं, हड्डियों में दर्द हो जाता। तो ये अगर बिहेवियर चेंज करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से वात प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और पता है क्या है, इतने अगर गहराई में नहीं समझाए ना तो वो नहीं समझ पाते हैं जो एक्चुअली में समझने की जरूरत है। तो ये जो आप जो समझा रहे हैं ना, ये बहुत ही डेप्थ में आप जा रहे हो, और आई एम श्योर जो भी ये सुन रहा है ना उसको पहले तो ये समझ में जरूर आएगा कि हाँ मेरे ही प्रकृति बात है, और जिस तरह से आपने बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, यू नो हाउ दे कैन स्टे फोकस्ड, हाउ दे कैन स्टे सेंटर्ड, तो आपने जिस तरह से समझाया ना आई एम वेरी श्योर वो डेप्थ है भले,
मतलब भले थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वो इतनी गहराई तक पहुंच रहा है ना कि वो अब खुद अपने अंदर से काम करना शुरू करेंगे। आई एम वेरी श्योर नेहा जी, जिस तरह से आपने ये इतनी गहराई में बताया है ना बात के बारे में, तो मैं भी किसी और का गेस कर सकती हूँ कि ये बात वाला है और इसे ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, यू नो। इट इज वेरी यूजफुल, एक्चुअली इट इज वेरी यूजफुल। एंड आप जितने भी देख रहे हैं और जितने भी देखेंगे उनके भी किसी की प्रकृति बात होगी तो वो बहुत ज्यादा उस चीज को नोटिस भी करेंगे और उसपे फोकस टूकस पे काम भी करेंगे। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली, मतलब जिनकी भी वात वाली डोमिनेटिंग दोषा है रियली उनको ये हेल्प मिलेगा टू बैलेंस दैट आउट। तो आप में से जिनकी भी वात प्रकृति थोड़ा डोमिनेटिंग है तो आई होप नेहा जी ने जो बताया है वो रियली आप इम्प्लीमेंट करें एंड सी द चेंजेस, बिकॉज बैलेंस होने पर आपको सच में चेंज मिलेगा। ठीक है नेहा जी, एक मैसेज भी आया है आपके लिए, चौरसिया सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम, या वंडरफुल इन्फो मैम। सी यू नो आप जिस तरह से इतने डेप्थ में समझा रहे हैं लोगों तक वो पहुंच रहा है, सो दैट्स सो नाइस।